हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे बच्चों। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11 एंड probability of A union B हमें दी है 7/11। तो क्वेश्चन है फाइंड, वो जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सेकंड पार्ट में A ओब्लिक B की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, थर्ड पार्ट में बच्चों B ओब्लिक A की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो देखिए लेट अस स्टार्ट। So, हमें जो जो गिवन है वो लिखेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला बताया था, इसकी जगह पे ये लिख दो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला। प्लस वन में भी बीट किया था हमने, ए की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 6/11 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी 5/11 दे रखी है, यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से निकालेंगे। देखेंगे 6/11 प्लस 5/11, 7/11 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, ये माइनस साइन खत्म करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो आपने चेक किया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी 11 एलसीएम, तो 6 + 5 = 11 माइनस 7 = 4/11 सोल्व करके देख लो, 6 × 5 = 11, 11 में से 7 माइनस के 4, तो 4/11 4/11 इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये चीज गिवन थी, तो इसके हेल्प से हमें ये चीज मिल गई। अब हमने निकालना क्या है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी वो हमें मिली, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी की पूछी गई थी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ए ओब्लिक बी, तो इसका फॉर्मूला सबको याद है, दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जो नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी बी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी तो निकाली है 4/11, तो B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/11, 5 दोनों को सोल्व करेंगे 11 से 11 कट जाएगा, तो आंसर इज 4/5। तो बच्चों 4/5 आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी B ओब्लिक A पूछा है, उसके लिए फार्मूला ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे जो चीज ओब्लिक के नीचे ओवर में इसकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/11 है और ए की प्रोबेबिलिटी 6/11 है, 11 से 11 कट गया, 4/6 कितना होता है 2/3, तो लो जी ये सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर, दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस बार काफी आसान प्रोबेबिलिटी है और इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वाइन is tossed 3 times, a coin को 3 toss किया, and given that capital E एक event है, had on third toss, और capital F event है, had on first 2 tosses, तो ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है 6 का, कॉइन को 3 times टॉस किया, हाँ जी, और ई है हेड ऑन दी थर्ड टॉस, एफ है हेड ऑन फर्स्ट 2 tosses, तो क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ई ओब्लिक एफ। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर कॉइन को 3 टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जिसे आप सैंपल स्पेस बोलते हो, सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबिलिटीज, 3 कॉइन को टॉस करोगे
फर्स्ट पॉइंट पे हेड आ सकता है, सेकंड पे हेड आ सकता है, ठीक है, थर्ड पे भी हेड आ सकता है। तो थ्री कॉइंस को टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ टॉसेस थ्री है, तो टू की पावर एन, ये फॉर्मूला प्लस वन में बताया था, तो टोटल एट आउटकम्स आएंगे। बच्चों को याद भी होता है, लेकिन आप लोगों को प्लस वन में बताया गया है कि ट्री मेथड से आप टोटल सैंपल्स में निकाल सकते हो। अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो जहां तो हेड आएगा जहां टेल आएगा, अगर एक कॉइन है तो टू पॉसिबिलिटीज आइदर हेड और टेल, अगर दो कॉइन्स हैं एन को टू पुट कर दो तो फोर पॉसिबिलिटीज है। वो कैसे निकालनी है, देखो ये ट्री बना दिया उसकी दो ब्रांचेस, तो इस एच की दो ब्रांचेस, इस टेल की दो ब्रांचेस, तो ये एच को दो बार लिखो, ये टेल को दो बार लिखो, तो एक ब्रांच के साथ हेड लगा दो, एक के साथ टेल, इन द सेम वे हियर, एक के साथ हेड एक के साथ टेल, तो एच डी हेड और टेल, ठीक है। अगर एक कॉइन टॉस करोगे जहां तो हेड आएगा टेल आएगा, फिर दो कॉइन टॉस करोगे तो बच्चों एच को दो बार उतार दो, एक के साथ एच लगा दो, एक के साथ टी लगा दो, इस टी को दो बार उतार लो, एक के साथ हेड लगा दो, एक के साथ टेल, चार पॉसिबिलिटीज, दोनों कॉइंस हेड हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जो फर्स्ट कॉइन है उस पर हेड आया, सेकंड पे टेल, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आया सेकंड पे हेड, जहां दोनों पे टेल। अगर हम तीन कॉइंस को टॉस करेंगे तो बच्चों एट आउटकम्स, वो एट आउटकम्स निकालने के लिए मेथड सेम ट्री मेथड, इसकी दो ब्रांचेस, एच एच को दो बार उतार दो, उतार दिया तो एक के साथ हेड लगा दो, एक के साथ टेल, इन द सेम वे एच टी दो बार उतारो, ये चीज को दो ब्रांचेस, एक के साथ हेड एक के साथ टेल, इन द सेम वे टी एच को दो बार उतारो, एक के साथ हेड एक के साथ टेल, इन द सेम वे टी टी को दो बार उतारो, एक के साथ हेड एक के साथ टेल। तो मैं सैंपल्स में यहां लिख रहा हूं, तो ये मेथड वेरी हेल्पफुल, अगर फोर पॉइंट हो फाइव पॉइंट हो तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, याद नहीं करना पड़ेगा, तो बड़ा आसान मेथड है। तीनों पे हेड हो सकता है, फर्स्ट टू पे हेड, थर्ड पे टेल हो सकता है, ये हो सकता है कि फर्स्ट टॉस में हेड आया, सेकंड टॉस में टेल, थर्ड में हेड, ये देखो ये आठ, ये उदाहरणों में देखे एच टी टी, ये वाला टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, तो बच्चों टोटल पॉसिबिलिटीज ई में कौन है, हेड ऑन दी थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में हेड कहां पे आ रहा है, फर्स्ट टू से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें थर्ड को देखना है कि थर्ड पे हेड कहां पे आ रहा है, ये देखिए यहां भी थर्ड टॉस में ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ऐसे ही है, और कहां पे इस पे भी ये रहा, फर्स्ट सेकंड से हमें कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन में है कि थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, तो एक तो टी टी एच ये आ गया, ई एफ क्या है बच्चों, हेड ऑन फर्स्ट टू डोसेस, हेड ऑन फर्स्ट टू डोसेस, थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, एफ में उसने बोला कि हेड ऑन टू डोसेस, थर्ड में कुछ भी आए ये एक्सेप्ट है, ये एच एच डी, हेड ऑन फर्स्ट टू डोसेस, थर्ड में कुछ भी हो सकता है, यहां पे नहीं है, ये भी नहीं हमारे काम का, ये भी काम का नहीं है, कोई भी एफ को सेटिस्फाई इसके अलावा नहीं कर रहा। तो बच्चों हमें निकालना है, फाइन ये सैंपल्स में समय समझ आ गया, तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला आप सबको याद है, आपको इनका इंटरसेक्शन भी निकालनी है, इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन, दोनों में कॉमन ई और एफ में, एक तो बच्चों आप देख सकते हो तीनों में अच्छा है ना, ये देखिए एच 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 और एच एच डी है नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है एच एच एच, ये एच एच डी नहीं आ रहा, सिर्फ कॉमन एक ही है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ क्या फॉर्मूला है उसका, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ, तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक है, तो यहां पे एक लिख दो, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, सो बच्चों प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में कितने हैं, एक है, और टोटल कितने हैं, टोटल देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, टोटल एट है, तो
तो यहां पे 8 से डिवाइड किया, एफ एफ में कितने 1 2, तो प्रोबेबिलिटी एफ कैसे निकलेगी, फेवरेबल केस, तो एफ में कितने 2, टोटल कितने 8, 8 से कट गया तो आंसर इज 1/2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, समझ आ रही सबको, काफी इजी सब है। तो इसके दो पार्ट्स और हैं, बिल्कुल सिमिलर है, वो आपके लिए छोड़ देते हैं, आप खुद ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, सेम, टू क्वाइंस आर टोस्ड वंस। अब दो क्वाइंस है, क्वेश्चन और भी इजी हो गया। ई क्या है, ई में लिखा है टेल अपियर्स ऑन वन क्वाइन, एफ में लिखा है वन क्वाइन शोज हेड। तो दो पार्ट्स हैं सेम, एक हम करवाएंगे एक आपके लिए छोड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों दो क्वाइंस हैं तो सैंपल स्पेस काफी आसान है, हेड टेल, इस एच को दो बार उतारा, इस टेल को दो बार उतारा, एक के साथ हेड एक के साथ टेल, हेड टेल, तो सैंपल स्पेस बिकम्स HH, HT, TH, TT, तो ये टोटल आउटकम्स हैं। E में कौन है, टेल अपियर्स ऑन वन क्वाइन, किसी एक क्वाइन में टेल हो, यहां पे तो दोनों हेड है, HT, इसमें एक क्वाइन पे टेल है, किसी एक पे है ना, वन टेल अपियर्स ऑन वन क्वाइन, तो वन का मतलब क्या है, दोनों नहीं, ओनली वन। ओके, so only one, ठीक है, e कौन है, tail appears on one coin, तो बच्चों एक में होना चाहिए, ये दोनों में है, ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, इस ये भी आएगा, ये भी favorable है। f में कौन है, one coin shows head, तो यहां पर तो दोनों head है, तो किसी एक coin पे head जरूर होना चाहिए, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो दोनों में common, intersection में common, भाई common तो दोनों ही आ गए, तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ई ओब्लिक एफ, उसका फॉर्मूला सबको याद है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें कितने नंबर हैं, ये देखिए फेवरेबल दो है, एक और दो, तो दो टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार, चार, तो एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में कितने हैं वन टू, टोटल कितने हैं फोर, अरे ये तो कट गया सारा कट गया, तो श्योर इवेंट, तो इसका मतलब इसका आंसर वन। हम जानते हैं कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन हो, वो इवेंट होता है श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट, एक ही बात है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी इवेंट की याद रखना है जीरो, वन मार्क से पूछ सकते हैं, वो इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और याद रखना ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको एक्स्ट्रा साथ साथ बता रहा हूं, और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है जीरो होती है, जब वन होती है जब उसके बीच में होती है, ना तो जीरो छोटी होती है ना वन से बड़ी होती है, बस ये दो एक्स्ट्रा चीजें, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 7 सम्स कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।